भाई देख सकते हैं ये हीरो कंपनी का ये क्लच प्लेट है, इसी क्लच प्लेट को हम इसमें लगाने वाले हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है, ये देख सकते हैं। और ओरिजिनल का पहचान भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी प्राइस कितनी है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा किसी भी टाइम में, बीच में आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये क्लच प्लेट है हीरो की, इसमें हीरो की लोगो भी होगी मेरे ख्याल से। यहाँ देख सकते हैं ये है हीरो का लोगो, इसके अंदर यह है हीरो का लोगो। और साथ में क्लच प्लेट पहचानने का एक तरीका है, सिर्फ लोगो देखने से नहीं होता है, इसकी जो लेदर है हमें ये देखना होता है। इस लेदर को जो हम जब हम चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस साइड में ये एक लेदर है और साथ में खाली जगह, इधर खाली जगह है। तो जहाँ पर खाली जगह है, ये जैसे खाली जगह है, तो अगर दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ आपको लेदर मिलेगी, दूसरी तरफ भी आपको लेदर मिलेगी। अगर आपके हीरो की पैकिंग में, हीरो की पैकिंग में अगर ये क्लच प्लेट जहाँ पे खाली जगह है और उधर भी खाली मिलता है, तो आपको ये कन्फर्म सोच लेना है कि वो क्लच प्लेट डुप्लीकेट है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है ओरिजिनल का पहचान, ये होगी ओरिजिनल क्लच प्लेट। और इसी क्लच प्लेट को हम इस बाइक में यूज़ करने वाले हैं। इसकी क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। ये क्लच प्लेट ख़राब क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गाड़ी की जब इंजन ऑयल गर्म होती है धीरे धीरे चलते चलते काफ़ी दिनों के बाद, 30 से 40 किलोमीटर के बाद, तो इंजन ऑयल जब गर्म होता है तो उसके साथ में ये जो लेदर है ये टाइट हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। और ये हार्ड होने की वजह से ही ये सही तरीके से पकड़ नहीं कर पाती है और गाड़ी की पिकअप डाउन हो जाती है, ये स्पीड घट जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे क्लच प्लेट ऐसे हैं कि इसकी जो लेदर है वो घिस जाती है और घिस जाने के बाद गाड़ी की किक स्लिप करेगी और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। अगर स्टार्ट भी होगी तो गाड़ी पिकअप में नहीं आएगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये इसकी पहचान होती है। इसकी जो लेदर है अभी ये उतना पूरा ख़राब नहीं हुआ है, स्पीड कम है लेकिन बिल्कुल भी वीक नहीं हुआ है ये क्लच प्लेट। इसकी जो लेदर है ये बिल्कुल टाइट हो गई है, इसीलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो क्लच प्लेट लगाने से पहले आपको ऑयल से भिगा देना है, उसके बाद आपको लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्लच प्लेट डालना है, फिर हमें प्रेशर प्लेट डालना है। देर तो खैर लागे घुसेगा इस नट को टाइट करने से पहले आपको इस तरीके से बाहर खींच लेना है, क्योंकि जब बाहर हम खींचते हैं तो अंदर की जो क्लच सेंटर की जो टी होती है, जो दांत होता है, वो क्लच हब में आके फंसता है और वो नहीं फंसेगी तो क्लच काम नहीं करेगा।
क्लच प्लेट ख़राब है या नहीं है हमें क्लच के एडजस्टिंग से ही पता चल जाता है। क्लच की जो केबल है, अब देखिए हमें इसको टाइट करना पड़ेगा। ये इतना लूज हो गया, ये इतना दोस्तों ये लूज हो गया है, ये देख सकते हैं। ये तो पहले पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक था इसका क्लच, अब लेकिन इसे टाइट करना होगा जिससे पता चलता है कि क्लच प्लेट में कुछ प्रॉब्लम थी। अब इसे हम एडजस्टिंग करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे ऑयल डाल के।